आप देख रहे हैं YMS न्यूज 24। आइए देखते हैं आज की खबर। सिद्धार्थ नगर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद सुफियान चौधरी एवं अखलाक अहमद क्राइम रिपोर्टर के साथ। सिद्धार्थ नगर के जोगिया ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत हरैया टोला सिकोला के ग्रामीणों को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में ना कोई सुविधा है, ना ही कोई काम नजर आ रहा है। यहां के प्रधान बहुत दबंग हैं। कोई भी आवाज उठाता है तो उसके ऊपर झूठा मुकदमा लिखा दिया जाता है। सिद्धार्थ नगर में विकास से कोसों दूर है जोगिया ब्लॉक का यह गांव। इस गांव में ना विकास नजर आ रहा है, ना यहां की जनता खुशहाल है। प्रधानमंत्री अन्न योजना में राशन वितरण को देखा जाए तो अंत्योदय कार्ड पर जो नियम है 40 किलो खाद्यान्न मिलना चाहिए, उसको 36 किलो दिया जा रहा है। और यहां आंगनबाड़ी केंद्र पर मरम्मत के लिए 4,57,000 रुपए निकाला गया और मरम्मत नहीं किया गया। आप खुद वीडियो में देख रहे हैं वहां के हैंडपंप और बिल्डिंग कैसी है। वहां स्वच्छ भारत मिशन जिसे शौचालय नहीं है, गांव वालों को बाहर शौचालय जाना पड़ता है। फर्जी तरीके से पैसा निकाल कर काम हो रहा है। यहां रोजगार सेवक और प्रधान के मिलीभगत से यह काम हो रहा है। आइए सुनते हैं जनता की आवाज। प्रधान जी का विकास, इसके लिए कितना पैसा निकाला गया है इसके जानकारी तो हमें नहीं है, लेकिन विकास ग्राम पंचायत कर दिया विकास क्रम जो गया जिला पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि जब से ये बाढ़ यहाँ पर आया हुआ है और क्षतिग्रस्त हुआ है, यहाँ पर क्या क्या लाभ मिला है? कुछ नहीं मिला। अभी भी बाढ़ राहत नहीं भैया मिलल। हमें जो बोलल जाए मांगल जाए तो कति कहा ना, यहाँ का लोग सब बदतमीज है। आदमी खाना नहीं खा पाई तो नाराज नहीं हुई। ऐसा कौन कहता है? अरे जे आवाला है मालिक मीरा हो तही कहाला। अच्छा हाँ। आपके गांव में सरकारी हैंडपंप कितने हैं? सरकारी हैंडपंप चार। ये चारों चलते हैं? ना बिगड़ जाला तो हमारे पैसा लगा हमारे खुद बनवाओ। और आपको पता हो कि इसके मरम्मत का पैसा निकाल लिया गया है? अब निकाल ही हमें तो नहीं पता है, पढ़े लिखे पढ़े नहीं तो हमारे कहा जान पाए। निकाल ही नौकर बेजट। सफाई कर्मी आते हैं कि नहीं आते आपके गांव में? कितना दिन हो गया सफाई कर्मी को आए हुए? साल ही नहीं आते हैं। अच्छा, और पानी निकलने का कोई व्यवस्था है सरकारी हैंडपंप का? पानी हल्या सब गांव में से आ वाला सब सड़की पर। बारिश हो जाला भैया तो इतना पानी हल्के हमरे आवल जाला। बाकी मालिक नहीं कहते कि मैंने ओके पटवाए के ऊंच कराए कर मैंने कोनो मरम्मत करी नहीं। ठीक है, मैं जानना चाहूंगा कि राशन कार्ड आप सब में किसका किसका है? आपका राशन कार्ड है? किस नाम से राशन कार्ड है? सुनीता नाम से। और कितना कितने लोग उसमें है? 5 लोग। यानी 5 किलो, 5 लोग हैं, इसका मतलब कि 5 यूनिट आपको 25 किलो मिलना चाहिए। हाँ। आपको राशन कितना मिलता है? 23 किलो। क्यों? अब पता ना, जब ना देता तब कहा जाए, झगड़ा करो तो झगड़ा मार पीट खसाल जाए। आप कहा ना जहाँ जाए खो तहाँ जाओ, जेकर करे खोई तो कैली हमारे इतने। कोटेदार का क्या नाम है? सुनील। आपका कितना नाम है? 5 नाम है। कितना आपको मिलता है? 23 किलो। आप में भी से कटौती होता है? आपका कमला होता है। कितना यूनिट है आप में? 8। 40 किलो मिलना चाहिए। कितना मिलता है? 36। 4 किलो कटौती होता है? 4 किलो कटौती होता, लेकिन अब काटा था वो बतिया बताए। क्यों? जिससे आदमी के नाम नहीं कटा। क्यों कटौती होता है? 4 किलो क्यों काटा जाता है? कहते हैं कोटेदार का क्या नाम है?
सुनील नाम, यानी यहाँ के जो कोटेदार उनका सुनील नाम है। हाँ। और ये प्रत्येक लोग का जो राशन हो मिलता है उसमें से आधा किलो एक किलो कटौती करके ही देते हैं। हाँ। तो इस बात का कभी आप लोगों ने विरोध नहीं किया? विरोध किया सर बहुत, लेकिन कोई वो नहीं करते, वो झगड़ा करने के लिए तैयार हो जाते हैं, कहते हैं कि दो किलो काट लो, तीन किलो काट लो, लेकिन भैया चार किलो ना काटे। नहीं कटना नहीं चाहिए, अगर कटना है तो अपना राशन कार्ड ही कटवा लीजिए, तो अपना राशन कार्ड कम क्यों लेती है भाई? जब सरकार आपको राशन देता है पाँच किलो एक यूनिट पे, तो आप चार किलो क्यों लेंगी, साढ़े चार किलो क्यों लेंगी? हमारे पास मजूर रख ले है, मजूर इनके कहाँ से हम दे, वही में से कटौती काट के वो देश के मजूरी दे प्रति किलो सरकार के द्वारा। जिला सिद्धार्थनगर जोगिया ब्लॉक के ग्राम पंचायत हरैया का रहने वाला हूँ। मैं चाहता हूँ जिला प्रशासन से कि हमारे ग्राम पंचायत हरैया में एक बार चेक करें, क्योंकि यहाँ के प्रधान जी जो काम नहीं हुआ है उस काम का पैसे निकाल लिए हैं। आंगनबाड़ी केंद्र पे मरम्मत का देख लो आप, और नदी को तालाब दिखा दिए हैं। मैं प्रशासन से यही चाहता हूं कि प्रशासन प्रधान के ऊपर चेकिंग करे कि क्या विकास किए हैं और किस चीज़ का नहीं। अगर जो ये दोषी पाए जाते हैं तो इनके ऊपर अवश्य कार्रवाई करे। जिला प्रशासन सिद्धार्थनगर।